सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहाँ पत्थर भर रही थी, तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप यह मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप यह सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप सबकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी ज़रूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फ़र्ज अदा कर चुके हैं। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे, कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला, भाई साहब ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना भी कहा कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता, ठंडा मतलब वह चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहां पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा। आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे-अच्छे लोग वहां खाक बन गए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः आप अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि वो कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि
इम्प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया, उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है, लोहार जो होता है, लोहार, वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया, आप अपनी ताकत खो देते हैं। और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर होइए। देखिए, 97% लोग जो है ना, वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। कई लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर, आप पंखा क्यों नहीं लगा लेते हैं, आपको पसीना होता है। हम क्या बोले आप लोग को, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। एक दिन हम सब लोग मिलकर अपने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेंगे, फिर से इसे हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, दूसरे का देखकर नकल नहीं कीजिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। लास्ट में आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।